कृपा करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर महादेव समर्पित। फिर वो देवाधिदेव महादेव उसको संभालेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा संभाल भी नहीं सकता। संभालने वाला वो शंकर ही हो सकता है। कभी अगर मौका मिले जीवन में, पांच दुर्बा एक बेलपत्र, एक अक्षत एक चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन, बेलपत्र की जो तीन पत्ती होती है इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा बेलपत्र चावल का एक दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर। श्री शिवाय नमस्ते भीम दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आप एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दर्शकों, ज्यादा से ज्यादा आप जब भी उपाय करें तो महादेव के मंदिर में करें, क्योंकि जो मंदिर में शिवलिंग होती है वो आपके प्राण प्रतिष्ठित होती है, घर पे शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती है। मंदिर में आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मंदिर में कोशिश करिएगा। श्री शिवाय नमस्ते भीम दर्शकों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।